आज कठुआ पुलिस स्टेशन में दो पुलिस कर्मियों में कोरोना के पॉजिटिव लक्षण पाए गए, जिनमें उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया। वह पूरे थाने को सील कर दिया गया है और सैनिटाइज का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लखनपुर से अब तक हजारों की संख्या में बाहरी मजदूरों ने प्रवेश किया है और सैकड़ों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव के केस भी आए हैं। वहीं पुलिस कर्मी की तैनाती से स्वाभाविक है कि उनमें भी लक्षण आ सकते हैं। मद्देनज़र पुलिस कर्मियों से खास हिदायत दी गई है कि ये काम करते समय पूरी तरह से हिदायत में रहें। अच्छा भाई, यह धारा 144 को लागू करने के लिए मुख्तलिफ नाकों पर ओपनली ड्यूटी कर रही है। ये पूरी फोर्स हाईली एक्सपोज फोर्स है। ये जितने भी यहाँ से लखनपुर कॉरिडोर से लोग गए हैं उसमें सैकड़ों की मात्रा में लोग पॉजिटिव भी आए हैं। तो आज में कल हम में से भी किसी ना किसी का गार्ड डाउन होना ही था, संक्रमित होना अनिवार्य था एक तरह से। तो आप देखें कि दीज थिंग्स आर इनएविटेबल, इसको रोका नहीं जा सकता है। तो हमने एहतियातन अपने सारे पुलिसकर्मियों का टेस्ट कराना शुरू किया। तकरीबन अभी तक कठुआ में तैनात पुलिसकर्मी तकरीबन 250 के आसपास टेस्ट कराए जा चुके हैं। इन 250 में से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। एक हमारे IR बटालियन के जवान हैं और बाकी के जो 2 व्यक्ति हैं वो कठुआ पुलिस स्टेशन में उनकी तैनाती है। आज 2 मामले आए हैं, दोनों पुलिस स्टेशन कठुआ के हैं। सर, लगातार टेस्ट भी हो रहे हैं, पॉजिटिव भी आना शुरू हो गए हैं आप पुलिस कर्मियों को, तो किस तरह की हिदायतें उनको दी जाएंगी?